इंदौर को लेकर कितना संवेदनशील है नेता, इसकी वानगी उस वक्त देखने को मिली जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर एमआरटन रोड पर एक कार चालक को कार से सड़क पर कचरा फेंकते हुए देखा और वे आग बबूला हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना काफिला रुकवाकर कार चालक से ही कचरा उठवाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए वायरल वीडियो पर एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। गंदगी फैलाने वाले पर गुस्सा हुए कैलाश विजयवर्गीय, बीच सड़क काफिला रुकवाकर जताई नाराजगी। कैलाश विजयवर्गीय को पसंद नहीं आई कार चालक की हरकत, राहगीर ने बनाया विजयवर्गीय के गुस्से का वीडियो। कचरा फेंकने वाले से ही कचरा उठवाया और दी नसीहत। इंदौर के पूर्व महापौर रहे कैलाश विजयवर्गीय के अंदर इंदौर को लेकर कितनी संवेदनशीलता है, ये उस वक्त देखने को मिली जब उन्होंने एमआरटन के करीब एक कार चालक को बीच रास्ते में कचरा फेंकते देख लिया। इसके बाद होना क्या था, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपना काफिला रुकवाया और गंदगी फेंकने वाले कार चालक को गंदगी फैलाने पर डांट लगा दी। साथ ही उन्होंने इंदौर को स्वच्छता में नंबर वन शहर बताते हुए उसी कार चालक से कचरा उठवाया और नसीहत दे डाली। इस सड़क से गुजर रहे एक राहगीर ने विजयवर्गीय के गुस्से का ये वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह हमारे कैलाश विजयवर्गीय साहब है, स्वच्छता के लिए इतना ध्यान रखते हैं कि गाड़ी से उतर के उन्हें बाकायदा रुके हैं और बाटल लिखवाई है वापिस। इतना स्वच्छता का ध्यान रखते हैं इंदौर के लिए कि खुद गाड़ी से उतरे हैं और बाकायदा उनको बोला आप बाटल उठाइए वहाँ से। इंदौर ऐसे स्वच्छ नहीं बना, बोले मेहनत से बनता है, बाकायदा रुके हैं और वो बाटल लेके आ रहा है। ये हमारे आदरणीय कैलाश जी हैं, बाकायदा उन्हें रोक के उनसे बाटल हटवाई। ये ब्रिज है एमआरटेन ब्रिज। आपको बता दें कि बीच सड़क गंदगी फैलाने पर इंदौर नगर निगम फाइन भी करता है ताकि जनता को जागरूक बनाया जा सके। बावजूद उसके कार चालक ने इंदौर में गंदगी फैलाने की हरकत की तो कैलाश विजयवर्गीय आग बबूला हो गए। इस घटनाक्रम से इंदौरी नेताओं की शहर को लेकर संवेदनशीलता भी छलकती है और फिर कोई और पर्यटक या राहगीर ये हरकत दोबारा ना करे, ये बड़ी नसीहत भी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।